मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे पुलिस और महानगर पालिका ने बड़ा कदम उठाया है। अवैध निर्माण और गलत कार्यों में शामिल बोतल और बार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे में गैरकानूनी निर्माण और गलत काम करने वाले होटलों पर और बार पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुणे नगर पालिका ने अब तक 26 होटलों को तोड़कर कार्रवाई की। महानगर पालिका ने गैरकानूनी 37,000 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पुणे नशे में एक नाबालिग लड़के ने महंगी पोर्श कार से 2 लोगों को जान ले ली थी। इसके बाद से ही गैरकानूनी काम कर रहे होटल और बार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आदेश के केस के बाद में पुणे में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। पुणे महानगर पालिका ने एक होटल पर बुलडोजर भी चलाया और बता दें कि ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सीएम ने पुणे पुलिस को बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया। पुणे नगर पालिका को भी मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण वाले पब और होटल पर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया था। दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया और कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई वह संवेदनशील है लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी के ऊपर भी पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को राहत देते हुए आदेश दिया कि नाबालिग आरोपी तुरंत रिहा किया जाए, उसके चाची उसके अभिभावक के रूप में भूमिका निभाएंगी। और पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की मदद राशि देने का ऐलान